हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आई जाने आप सभी से जुड़ी छह बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार लाएगी जनता के हित के दो नए बिल, इसमें जनता को होगा फायदा। दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा नागरिकता कानून, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया ऐलान। संसद में जो बिल अभी पास हुआ था, नागरिकता संशोधन बिल, वह अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित छह राज्यों में लागू नहीं होगा। तीसरी बड़ी खबर, अभी जो ओलावृष्टि हुई है प्रदेश में, उस पर कृषि मंत्री सचिन यादव ने दिया है बड़ा बयान, देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। चौथी बड़ी खबर, सरकार का सरकारी अफसरों को सख्त आदेश है, कमलनाथ सरकार ने सरकारी अफसरों को सख्त आदेश दिया है। पांचवी बड़ी खबर, कमलनाथ सरकार का बड़ा निर्णय, गांव-गांव में दौड़ी खुशी की लहर और अतिथि विद्वानों के सपोर्ट में मैं भी हूं, क्योंकि अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग को लेकर के काफ़ी दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। 14 दिसंबर 2019 का अपडेट है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। नागरिकता और अनुच्छेद 370 के बाद अब मोदी सरकार ला रही है ये दो बड़े बिल। नागरिकता और अनुच्छेद 370 के बाद अब मोदी सरकार ला रही है ये दो बड़े बिल। 13 दिसंबर 2019 को खबर आई है। जानकारी के अनुसार संसद में नागरिकता बिल के पास होने के बाद अब केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता को लेकर बिल लाने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अंदर खाने इसे लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल इसे लेकर सरकार और पार्टी के बीच किसी भी पदाधिकारी या अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पिछले हफ्ते जब शाह नागरिकता बिल पर पार्टी नेताओं से चर्चा कर रहे थे, उस बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बात निकली थी और कहा गया था कि इसे अच्छा समर्थन मिलेगा। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता कानून को लेकर लंबे समय से चर्चा चली आ रही है। जब भी कोई बड़ा कानून लागू होता है तो इन दोनों मुद्दों पर भी बिल लाने का जिक्र होता है। इसका मतलब अब अगले संसद सत्र में यह दो बड़े बिल आने हैं और इस पर सरकार की मुहर लग जाएगी। तीसरी बड़ी खबर, ओलावृष्टि पर सचिन यादव ने कहा है हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। अभी दो दिन पहले प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है। प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी सचिन यादव ने चिंता जताई और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ओलावृष्टि की दुखद खबरें प्राप्त हुई है, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ सरकार किसानों की सरकार है, हम किसानों के साथ हर संकट में खड़े रहेंगे और हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। सचिन यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया है, आज प्रदेश के बहुत से जिलों से ओलावृष्टि की दुखद खबरें प्राप्त हुई, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ सरकार किसानों की सरकार है, हम किसानों के साथ हर संकट में साथ खड़े हैं और हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है, दुख में यदि आप इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं तो थोड़ी सी राहत मिलती है। अगली बड़ी खबर, सांसद और विधायकों के सम्मान में अफसरों को खड़े होकर हाथ जोड़ना होगा, ये कमलनाथ सरकार ने आदेश दिया है अफसरों को। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश में सांसद विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के सम्मान में प्रशासनिक अधिकारियों को खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना होगा। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए हैं एवं सभी कलेक्टरों सहित सभी विभाग प्रमुखों से भी कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं। मध्य प्रदेश में नेता और नौकरशाहों के बीच तनातनी चल रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में नेताओं और नौकरशाहों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, कई अफसर मनमानी कर रहे हैं। सांसद और विधायक क्या कई मंत्री तक मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत कर चुके हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी कर दिया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब भी कोई सांसद या विधायक अधिकारियों से मिलने आए तो अफसर उनके सम्मान में खड़े होकर उनका स्वागत करें, वो अपनी सीट से उठें और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करें। आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि अफसरों को माननीयों के साथ अपने व्यवहार में शिष्टाचार बरतना चाहिए। सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ये आदेश बता दें और सख्ती से इसका पालन कराएं। जनता ने जिन्हें चुना है उनका सम्मान होना जरूरी है। सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने अब पत्र जारी किया है, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था,
ये तो शिष्टाचार है। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो MLA हो या फिर सांसद हो, जिसे जनता ने चुनकर भेजा है वही मंत्री कानून बनाते हैं। उसी नियम कानून पर देश चलता है और इसी के संरक्षण में अफसरों को नेता तथा सांसदों के सम्मान में खड़े होकर हाथ जोड़ना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून पर उबाल, इन राज्यों का कानून को हरी झंडी देने से इनकार। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में नागरिकता बिल लागू नहीं होगा, यह सरकारों का कहना है। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है, साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि इस बिल को लेकर उनकी पार्टी के रुख का समर्थन करते हैं। इस तरह अब तक 6 राज्यों के CM इसे अपने राज्य में लागू नहीं करने की बात कह चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो भी रुख अपनाया है हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या हम उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं जो विभाजन का बीज बोती है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है, इसका मतलब प्रदेश में नागरिकता बिल लागू नहीं होगा। वहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर हमारा रुख कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए रुख से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हमारा रुख भी उनके जैसा ही है। हम इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि यह बिल असंवैधानिक है। इस प्रकार से दोनों कांग्रेस शासित प्रदेशों ने इस बिल का विरोध किया है और अपने प्रदेशों में लागू नहीं करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ सरकार का बड़ा निर्णय, गांव-गांव में खुशी की लहर, अच्छी बात है। क्या है खुशी की लहर? मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए बड़ी खुशी दी है। सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में गांव-गांव में खुशी की लहर है। असल में कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ग्रामीण सुरक्षा को लेकर कदम उठाया है। इस बारे में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि जिसको लेकर अब आदेश जारी हो गए हैं। इसके लिए अब सरकार गांव में होने वाले मेलों के दौरान CCTV लगाकर उनको पर्याप्त सुरक्षा देगी। ग्रामीण क्षेत्रों के मेलों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतें ही CCTV कैमरे लगवाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी हुए हैं। इस मामले में शासन के आदेश जिला पंचायत को मिल गए हैं। यह अलग बात है कि ग्राम पंचायत के पास इसके लिए अलग से कोई बजट ही नहीं है। विकास कार्यों के बजट से पंचायतों को CCTV कैमरे खरीदने होंगे। जिलों में होते हैं मेले, कई जगह आयोजन होते हैं। जिले में आप देखते होंगे हर जिले में हर गांव में कभी ना कभी मेला होता है। तो अब सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत अपने गांव के या अपने जनपद के मेले में CCTV कैमरा लगाएं और जो भी कुछ अनहोनी होती है वह CCTV कैमरे में कैद हो जाएगी, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की अनहोनी को होने से बचाया जा सके। संदीप यादव ने इस बारे में सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचना भेजी है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि शासन के वचन पत्र के बिंदु क्रमांक 40.10 में इस बात का उल्लेख है कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों व आयोजन में भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा की व्यवस्था की जाए व इसके लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत व्यवस्था करें, आदेश का पालन कराया जाएगा। मेलों सहित विभिन्न धार्मिक स्थल पर होने वाले आयोजनों में CCTV कैमरे लगाने का कार्य ग्रामीण अंचल में अब ग्राम पंचायत को दिया गया है। फिलहाल आदेश आया है, इसका पालन करना व करवाना सभी की जवाबदेही है। संदीप केरकेट्टा, CEO जिला पंचायत। तो इस प्रकार से गांव में सुरक्षा को लेकर सरकार ने पहल की है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की अतिथि विद्वानों ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार के प्रति आंदोलन खड़ा किया है और महिलाओं ने अपने आंचल जलाए हैं ताकि सरकार सचेत हो और अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण कर सके। पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, चाहे वह अतिथि विद्वान पुरुष हो या फिर अतिथि विद्वान महिलाएं हो। सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अतिथि विद्वानों का समर्थन किया है, जैसे सपाक्स पार्टी, करणी सेना और अन्य ऐसे संगठन हैं जो इन अतिथि विद्वानों का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सरकार इन सभी के बारे में
जो उचित हो कार्रवाई करें और उन्हें नियमितीकरण करें। तो इस प्रकार से 6 बड़ी खबरें थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।